मैं नील फायरन जमशेदपुर से महबूब आलम, आज हम आए हैं क्रिकेट काउंसिल की सेकंड सीरीज के बारे में बात करने के लिए शाहिद अंसार साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं शाहिद अकेडमी और प्रोजेक्ट रूट जैकी लगे थी। आज इनसे बात करेंगे करियर काउंसिलिंग से। सर, सबसे पहले नील फायरन जमशेदपुर पर आपका स्वागत है जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी झारखंड जैक बोर्ड कल्चर निकला है, आईसीसी डिसिप्लिन करने वाला है, करने के बाद बच्चे के पास क्वेश्चन रहता है, पेरेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है कि हम क्या करें। सबसे पहले आप डेंजर फोन देखा। मेरा नाम शाहिद परिसर और मैं डायरेक्टर हूँ साइन अकेडमी जमशेदपुर का। करियर चूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स का भी और बच्चों का, दोनों का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्टार्टिंग से क्लास सेवन से बाद से ही वो सही डायरेक्शन लेना शुरू करते हैं, बच्चा किस तरह से वो आगे बढ़े और बच्चे का अपना इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर बच्चा जो है वो सही पाथ को स्टार्टिंग में ही चूज कर लेता है वो अपने जिस भी साथ को उसके आगे बढ़ चला जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि स्कूलिंग में जब बेस्ट स्कूलिंग अगर हो रहा है तो वो उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है फिर धीरे 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 टेंथ इलेवेंथ टेंथ के लेवल से पहुँचते हैं, वहाँ से उनके लिए मेन टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से वो करियर के शुल्क पाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाहे वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, तीनों में क्या क्या करियर ऑप्शन हैं, कौन कौन से रेवेन्यूज हैं, बच्चा धीरे धीरे समझना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से वो करियर भी आगे ना आए थे फिर कामयाब। ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप का और बच्चों का आपस का कोऑर्डिनेशन हो और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। सर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चे जो प्लस टू के बाद जिनका स्ट्रीम है, मान लीजिए कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, क्योंकि ऐसा भी होता है साइंस के स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कभी अपोजिट हो जाता है कि साइंस के बच्चे चाहते हैं यूपीएससी में जाए, हम ये मतलब अपोजिट हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे कौन सा स्ट्रीम चुने, मेडिकल लाइन में जाए या इंजीनियरिंग में जाए, ये कैसे डिसाइड करना उनको? इसके लिए जरूरी है कि बच्चा भीड़ से हट कर, जो एक ट्रेन चल रहा उससे हट कर वो अपने दिल की सुने और वो देखे कि मेरे पास क्या पोटेंशियल है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कितना है जितने में हम चालक उतने ही चालक है जितने में उसका काम चल सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो भीड़ में या जो ट्रेन चल रहा है, बच्चे आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया के जरिए से या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से जो वो लोगों को देखा देखी यूज़ कर लेते हैं करियर पाथ के लिए, उससे लोग कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके लिए परेशानी हो जाती है। जो भी करियर का ऑप्शन क्यों है वो खुद से क्यों और अपने दिल के आवाज से वो चुने, उसकी कोशिश करें कि हम उसमें ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं बगैर भीड़ भाड़ के, बगैर जो है लोगों के खुश करने के लिए। लेकिन वो कोशिश करें कि हम ऐसे करियर पाते क्यों जिसमें हम एक्सेल कर सकते, अच्छा कर सकते। अब इम्पॉर्टेंट है कि आर्ट्स हो चाहे साइंस हो या कॉमर्स, कोई भी बच्चा ये तीनों स्ट्रीम में अच्छा कर सकता है। ऐसे लोग आर्ट्स के बच्चे काम होते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो आजकल इंटीग्रेटेड जो है वो एजुकेशन का पूरा सीन है और एक ट्रेंड जो है डेवलप हुआ है इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आई आई पढ़ना चाहता है, इंटरमीडिएट आर्ट्स ले रहा है और वो यूपीएससी करना चाहता है तो वो दो साल आर्ट्स में इंटरमीडिएट करे और तीन साल ग्रेजुएशन करके और इंटीग्रेटेड जो है यूपीएससी की पाँच साल की तैयारी करें। जो पहले होता था ग्रेजुएशन के बाद बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते, अब है तो मौजूद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। पाँच साल उनके लिए काफी बड़ा टाइम है और उसमें उनका बेस जो काफी स्ट्रांग हो गया है। साइंस का बच्चा है तो वो इलेवन ट्वेल्व के साथ जो वो नहीं चाहे कि ये भी तैयारी करे। एक ट्रेंड है कि बहुत सारे मेडिकल के फील्ड के जो लोग हैं जो भी क्वालिफाई होते हैं या इलेवन क्वालिफाई होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बड़ी तादाद में इस बार जो जितने लोग यूपीएससी निकाले बड़ी तादाद उसके लिए टेक्नोक्रेट्स हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग, वो बिल्कुल इन्वेस्ट करने हैं, वो इन्वेस्ट करने हैं जितने साल जॉब करने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी लेने जाते हैं।
तो वो ऑप्शन बच्चे के लिए अभी से है कि अगर सही हो साइंस की तरफ से आगे बढ़ जाए, कॉमर्स वाले हैं अगर तो कॉमर्स में भी वो आईक्यू करें, और साथ ही साथ ही वो स्टैटिक्स में या फिर कॉमर्स होने के बाद वो बहुत आगे जो है यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। तो आज इंटीग्रेटेड एजुकेशन का है तो बच्चे उसमें उसमें फायदा उठा सकते हैं। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये अवेयर नहीं है कि मतलब वो उनका बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे एंट्रेंस की एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे जो है सिर्फ ओरिएंटेड कोर्स कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स जिसको बोलते हैं, वो फिर गर्ल्स कर देते हैं या बिजनेस कर देते हैं या उससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी कंपनी पर काम कर लेते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम देने से पीछे जो मेजोरिटी है वो कम हुई। सबसे बड़ी चीज ये है अवेयरनेस कम्युनिकेट, हमें आज के डेट में जो कम्पिटिटिव पूरा एरा है बच्चों को कम्पिटिटिव माहौल प्रोवाइड करना चाहिए और बचपन से ही वो कंपटीशन के रुझान डिवेट करें, कंपटीशन के थ्रू से दाखिला लें स्कूल्स में, अनफॉर्चुनेटली वो आप देखेंगे डोनेशन के नाम भी दाखिला करा लेते हैं और वो ट्रेन भी वो आगे तक चले जाता है। तो वो कम्पिटिटिव माहौल बच्चों को देना है, बच्चों के अंदर डेवलप करना है ताकि वो स्कूलिंग से ही कॉम्पिटेटिव माहौल के साथ आगे बढ़े, जब वो इंटरमीडिएट कर टेंथ करें उसमें वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जरिए से इंटरमीडिएट जब आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करें, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, पीट है, आईबीजेई है, यूपीएससी है, क्लाइंट है, बहुत सारे जो है वो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्पिटेटिव माहौल जो डेवलप करने की जरूरत वो डेवलप अगर होगा बच्चे के अंदर क्वालिटी आएगी और बच्चा जो है वो डिफरेंट अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना आज के डेट में बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि एजुकेशन अवेयरनेस तो आ गया है लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो मेन प्ले करना है वो है कि इंडिया के टॉप मोस्ट के इंस्टीट्यूशन में हमारे लोग रहे, अच्छे बच्चे रहे, IITs हुए, NITs हुए, GEMS हुए और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे एडमिशन भी GR वो डेवलप होना चाहिए, वो आना चाहिए। इसके अलावा जो एक ट्रेंड आप जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स करके और बस चल जाते हैं, तो ये कुछ केसेस में तो ठीक है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो अपना इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सोसाइटी के अंदर ट्रेंड बन जाए खासकर खुशी को जैसे जगह पे जो इकोनॉमिकली सबसे झारखंड का सबसे नंबर वन है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के मामले में नंबर वन है, पिछले भी जो है नंबर टू पे, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन का एक जो है वो माहौल बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तो ये इम्बैलेंस है, गर्ल्स में तो काफी अच्छा है लेकिन बॉयज में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके चले जाते हैं, उसका प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम भी हो रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी में भी इम्बैलेंस को क्रिएट हो रहा है और डोनेशन जो वो कई दिन बनाऊंगा है वहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल में लेते हैं, उससे क्या होता है कि बड़ी तादाद बड़ा अमाउंट वो हमने देखा वो ऐसे ही बेस्ट हो जाता। अगर हम बच्चों के अंदर में वो कॉम्पिटेटिव माहौल डेवलप करें और नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, जी जैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, CUET के जरिए से वो इंडिया के टॉप के यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले, तो वो डोनेशन का जो अमाउंट है वो बच जाएगा, इससे सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ सकते हैं और वो बच्चा जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जैसे आगे बढ़ेगा तो वो अपने हायर एजुकेशन में भी एक्सेल करेगा और वो हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा करके और सोसाइटी को सर्व कर सकता है। तो इस माहौल को चेंज करने की जरूरत है, हायर एजुकेशन में ट्रेन बनाना है लेकिन वो मेहनत के साथ कॉम्पिटिशन के साथ, वो बहुत ज़्यादा जो वो डोनेशन बहुत ज़्यादा जो है सोर्स पैरिंग के साथ हम नहीं कर सकते हैं, कुछ केसेस हो सकता है और शॉर्ट टर्म चीज़ों को शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी ट्रेन को थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि आज के डेट में बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिटी को सर्व करना है तो एजुकेशन में एक्सेल करना है, हायर एजुकेशन को लेकर। और तीसरी भी चीज़ है जैसे जनरली लोग जो है लोन वगैरह देते हैं ये भी नुकसानदेह है कि लोन के चक्कर में भी एजुकेशन का जो मामला है वो तो बाहर जो स्टार्ट में अच्छा लगता है लेकिन वो बच्चे फिर बाद में फंस जाते हैं, पेरेंट्स बाद में फंस जाते हैं। बच्चों के अंदर हमको ये ट्रेनिंग डेवलप करना चाहिए, बच्चों की कोशिश करना चाहिए कि हम हायर एजुकेशन की तरफ लाएँ, थ्रू कन्वेक्शन लाएं, जिनको जो है मेहनत करने का आदत बनाए और ये अगर हम आगे बनाएंगे तो हम देखिए 2-4-5 साल में बड़ा ट्रेन चेंज आएगा, एक बड़ी तब्दीली आएगी। ये ट्रेन जो केरला के अंदर हुआ था और आप देखिए कि वहाँ पे एक एजुकेशन का एक बड़ा जो है चेंज आपके देखने को मिलता है। मैंने आज ये करियर काउंसलिंग पर शारिक के
अंसार साहब से बात किया पेयर काउंसलिंग पे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि पेरेंट्स को जो है एग्जाम से रिलेटेड जो है बच्चों को अवेयर करना है, ये उनके फाइनेंशियली भी बोझ कम होगा और पढ़ने का जो रुझान है वो बच्चे का बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं महबूब आलम, न्यूज़ पैनल, जमशेदपुर से।